ये मेरी आन है, मेरी शान है, मेरी जान है, यही तो जज्बाए हिंदुस्तान है। दुनिया में हिंदुस्तान को नौजवानों का देश कहा जाता है। गुलाम भारत के उन दिनों को याद किया जाए जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया और नौजवानों का आह्वान कर आजाद हिंद फौज खड़ी कर दी। उनमें ऐसा जज्बा जगाया कि उन्होंने ब्रिटानी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा दी थी। ये जज्बा आज भी देश के नौजवानों में भरपूर है। कुछ कर गुजरने का जज्बा जो हासिल होता है भारतीय सेना से जुड़कर, वो पल गर्व से भरा होता है जब कोई नौजवान भारतीय सेना का हिस्सा बनता है। लेकिन इन जवानों को जाबाज बनाने के लिए होती है कड़ी मशक्कत और जी तोड़ मेहनत। और जब ये जाबाज अपने कदमों की धमक से देश की सरहदों के पहरेदार बनते हैं तो परिंदा भी इनकी इजाजत के बगैर आसमान की ओर उड़ान नहीं भर सकता। इस जज्बे और जाबाजी को पाने के लिए पहला कदम है नेशनल कैडेट कोर। ये यूनिट है स्टूडेंट्स की, देश के नौजवानों की और देश के लिए कुछ कर गुजरने वालों की। यही है अदम्य साहस की ओर पहला कदम। नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी, जिसका उद्देश्य है एकता और अनुशासन। एनसीसी इसी मोटो के साथ स्टूडेंट्स को जिंदगी की हर चुनौती का सामना डटकर करने के लिए तैयार करती आ रही है। नेशनल कैडेट कोर विद ए मोटो ऑफ यूनिटी एंड डिसिप्लिन, व्हाट इट गिव्स एक्सपोजर टू ऑल द कैडेट्स इन टर्म्स ऑफ लाइफ ऑफ अ गुड सिटीजन, वेयर ही लर्न्स अबाउट द सेल्फ डिसिप्लिन। First thing is, India has got one of the best youth demography as of date in the world. And if we can tap this resource which is available to us, we can really grow up as a country also. NCC अपने कैडेटों को एक सैनिक के तौर पे तैयार करने के लिए हर उस प्रशिक्षण से रूबरू कराती है जो सेना के जवानों को दिए जाते हैं। एनसीसी भारतीय सेना से जुड़ने के लिए एक बुनियाद है। आइए जानते हैं कैसा होता है एनसीसी कैडेटों के प्रशिक्षण का एक दिन। यह है 100 बटालियन एनसीसी के संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर 320 का एक दिन। सूरज की पहली किरण के साथ शुरू हो जाती है इन नौजवानों की मशक्कत। दिन का शुरुआती टास्क होता है पीटी, योगा और दौड़, जिससे शरीर को चुस्ती और स्फूर्ति मिलती है। इसके बाद कैडेट नाश्ता करके पूरी वर्दी लगाकर फिर से ट्रेनिंग ग्राउंड में हाजिर होते हैं। अब शुरू होती है कैडेटों की परेड। इसी बीच उन्हें हथियारों के बारे में बताया जाता है, हथियार कैसे चलाए जाते हैं, उन्हें खोलने और बंद करने का तरीका सिखाया जाता है। साथ ही मैप रीडिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासें भी दी जाती हैं, ताकि इन कैडेटों का विकास बहुआयामी रूप से हो सके। सुबह तकरीबन 6:15 बजे सारे कैडेट्स को इकट्ठा करते हैं और 6:30 से लेके 7:30 तक पीटी होती है। उसके बाद हम इनको आधा घंटे का वक्त देते हैं जिसमें ये फ्रेश होके आते हैं, यूनिफॉर्म में आते हैं। उसके बाद हम इनकी ड्रिल कराते हैं, हथियारों पे क्लासेस करवाते हैं और अलग तरीके के मोटिवेशनल लेक्चर
बीच में करते हैं। 12:40 से हम इनको तकरीबन 2:40 तक लंच का समय देते हैं, साथ में थोड़ा आराम का समय देते हैं। 3 बजे से लेके 4 बजे तक फिर से क्लासेस चलती हैं और 4 से 5 बजे तक हम इनके गेम्स करवाते हैं। 5 बजे के बाद हम मोटिवेशनल लेक्चर्स के लिए बाहर के गेस्ट स्पीकर्स को बुलाते हैं, जो अलग अलग सब्जेक्ट का कवर करते हैं, जैसे पॉजिटिव थिंकिंग, हेल्थ एंड हाइजीन, मेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर इनका एक चाय का ब्रेक होता है, उसके बाद हम इनको तकरीबन 7:30 से 8:30 तक इनका डिनर होता है और फिर रात को 10 बजे लाइट्स ऑफ। मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक इनका जो भी ट्रेनिंग है उसका एकमात्र मकसद यही है कि इनके अंदर बहुआयामी व्यक्तित्व का विकास हो। इसके ख्याल से हम इनको सुबह से लेकर के पीटी, योगा, दौड़, मॉर्निंग टाइम में, इसके पश्चात इनको हथियार की ट्रेनिंग, मैप रीडिंग की ट्रेनिंग, व्यक्तित्व विकास की ट्रेनिंग, इनको सामाजिक कार्य करने के प्रति, इसके साथ साथ इनका शारीरिक विकास करने के लिए स्पोर्ट्स के रूप में हम लोग इनको वॉलीबॉल प्रतियोगिता, रस्साकसी प्रतियोगिता, अन्य प्रतियोगिताएं कराते हैं, जिसके अंदर इसके अंतर्गत इनके फिजिकल और मेंटल दोनों तरह के व्यक्तित्व विकास हो सके। नेशनल कैडेट को अपने नौजवानों को सिर्फ एक सैनिक ही नहीं बनाती है, बनाती है उन्हें एक अच्छा इंसान, ताकि वह आत्म अनुशासन और संस्कारों की खुशबू हर ओर बिखेरे। एनसीसी इनमें भरती है आत्मविश्वास और स्वाभिमान, ताकि इनका साहस कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी डिगे नहीं। इसके साथ ही सबसे जरूरी होता है टीम वर्क, जिसकी बदौलत मंजिलें नजदीक और मुश्किलें आसान हो जाती हैं। मैं हर कैडेट में एक कैरेक्टर बिल्डअप करना चाहता हूँ। दूसरी चीज, इनमें एक टीम बिल्डिंग की भावना है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक लीडर बनने की क्वालिटीज ग्रहण करें, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, ये देश के एक अच्छे नागरिक बने। एनसीसी की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जो कैडेट सी सर्टिफिकेट ए या बी ग्रेड से हासिल करते हैं, उन्हें भारतीय सेना में शामिल होने के लिए रिटेन एग्जाम की छूट मिलती है। इसके साथ ही इन कैडेटों को सेना के अलावा पुलिस और मेडिकल के क्षेत्र में भी प्राथमिकता दी जाती है। इससे भी कहीं ज्यादा, एनसीसी इन नौजवानों को एक अच्छा इंसान बनाने पर ज्यादा ध्यान देती है, साथ ही दरवाजे खोलती है रोजगार के। सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट हैज कम आउट विद लॉट ऑफ इंसेंटिव्स। सो दीज इंसेंटिव्स आर बेसिकली लाइक मोटिवेशन। इफ आई जस्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन हैज डन अवे विद द रिटन एग्जाम्स फॉर सिलेक्शन टू द ऑफिसर्स हु हैज गॉन थ्रू द सी सर्टिफिकेट, स्ट्रेट वे गोज फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। सेम वे फॉर द सिलेक्शन टू द जवान्स, एयर वॉरियर्स और द सेलर्स, दे आर डन अवे विद द रिटन एग्जाम्स। Motivate this youth to join on their own, not for the incentives, but to become a good citizen of this country. NCC सैनिक बनने की एक मुकम्मल ट्रेनिंग मात्र नहीं है, बल्कि ये वह प्रशिक्षण है जो कैडेट्स को अधिक दृढ़ और पूर्ण सक्षम बनने का मौका प्रदान करती है। राजपथ परेड 26 जनवरी के लिए यहाँ पे तैयारी चल रही है और क्वालिटी वाले कैडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। मल्टी टैलेंटेड कैडेट चाहिए, उसके साथ ग्रुप सॉन्ग, ग्रुप डांस, NIAP नेशनल इंटीग्रेशन अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसमें हम यूपी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये नौजवान अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में जाएं, पर इनका लक्ष्य सिर्फ एक, देश सेवा होना चाहिए। Got the knowledge of what the world is like. I had always wanted to serve my nation, and I came to know that NCC is the ground level, grassroots level platform from which we could start and serve our nation. So I thought, rather than opting any other field, why not join NCC? Discipline is must for a living. National Defence Academy से pass out होने वाले हर officer की ज़बान पर
यही पंक्ति गूंजती है कि राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र का कल्याण और राष्ट्र का सम्मान सदैव प्रथम स्थान पर है। सैनिकों की सुरक्षा, सैनिकों का सम्मान और सैनिकों का कल्याण सदैव द्वितीय स्थान पर है। और अंतिम वाक्य, जिसकी बुनियाद पे ऊपर के दोनों वाक्य टिके हैं, अपनी सुरक्षा, अपना सम्मान और अपना कल्याण सदैव अंतिम स्थान पर है। I need